शहर में लगातार बढ़ रहे कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 6 महीनों में लगभग 800 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। उसके बावजूद भी नगर निगम कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल कुत्तों के काटने की वजह से अस्पताल पहुंच रहे लोगों को रेबीज इंजेक्शन के लिए भटकना पड़ रहा है। आवारा कुत्तों का शिकार हुए शुभम मंडल ने बताया कि कुत्तों के काटने के बाद वे महारानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचे हुए थे, लेकिन दोनों ही जगह स्टॉक नहीं होने की बात कहकर उनको वापस भेज दिया गया, जिससे मजबूर होकर उन्हें तय कीमत से 2 गुने मूल्य में उनको एंटी रेबीज की दवा लेनी पड़ी। इधर जिले के स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में एंटी रेबीज दवा की कमी है। इस वजह से दोनों ही अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस मामले में स्वास्थ्य अमला के साथ साथ नगर निगम भी लापरवाह बना हुआ है। एक तरफ शहर में लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ निगम के महापौर ये बताते हैं कि कुत्तों को धरपकड़ करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है। जगदलपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी।